हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंडियन एक्सप्लोरर में, जहां हम डिस्कवर करेंगे इंडिया की स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहां उनके अमेजिंग फैक्ट्स और रहन सहन और लैंग्वेज और भी अमेजिंग फैक्ट। अगर आपका कहीं घूमने का प्लान बन रहा है तो आप हमारी वीडियो देख कर हेल्प ले सकते हैं। तो आज हम जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं वो है मंडी, जो कि मिड हिमालय और लोअर हिमालय की रेंज में बसा हुआ है, जो कि हिमाचल की 12 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। क्या पता अगली वीडियो आप ही की डिस्ट्रिक्ट की हो। अगर आप घूमने के लिए मंडी आ रहे हैं तो आपको एक महीने का वेकेशन प्लान करना होगा। यहाँ आपको झरने, झीलें, नदियाँ, मंदिर, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, हॉट स्प्रिंग और सर्दियों में बर्फ देखने को मिल सकती है। मंडी में मुख्यतः आपको दो शहर मिलेंगे, एक मंडी जिसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और दूसरा सुंदरनगर, जो कि नाम के साथ भी सुंदर है। आप सुंदरनगर और मंडी और मंडी टू सुंदरनगर बड़ी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेट्रो का काम यहाँ की बसेस करती हैं, जो कि हर 10 मिनट बाद आपको इसी रूट पे बस मिल जाएगी। इन दोनों शहरों का फासला सिर्फ 28 किलोमीटर का है, जो आप 30 मिनट में मंडी और मंडी से सुंदरनगर पहुँच सकते हैं। सुंदरनगर में उठने वाला व्यक्ति सुबह अपनी जॉब के लिए मंडी के लिए निकलता है और मंडी से सुंदरनगर लोग पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ कॉलेजों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अगर यहाँ नदियों की बात की जाए तो हिमाचल की 5 प्रमुख नदियों में से एक नदी ब्यास, जो कि कुल्लू से एंटर होती है और मंडी को छोड़ के कांगड़ा में एंटर हो जाती है। अगर घूमने की बात की जाए तो सबसे पहली झील कमलनाथ झील, जो कि इस डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट लेक में से एक है, और सर्दियों में बर्फ पड़ने के कारण यह झील पूरी जम जाती है। यहाँ आपको कमलनाथ देवता जी का मंदिर भी मिलेगा। इस झील में लोग सोने और चांदी के सिक्के और पैसे चढ़ाते हैं, और आपको इस झील में इतने सोने और चांदी के सिक्के मिल जाएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको इस झील के लिए पैदल ट्रैकिंग करके जाना होगा, क्योंकि यह झील रोड से बहुत दूर ऊंची पहाड़ियों पर है। अगली जो झील रहेगी हमारी वो परासर लेक है, और यह झील हिमाचल की बहुत ही खूबसूरत झीलों में से एक है। यह ऊंची पहाड़ियों में बसी हुई है। अगर यहाँ आप जाना चाहें तो आप ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं और रोड से भी जा सकते हैं, और यहाँ आपको कैंपिंग करने के लिए साइट भी मिल जाएगी। अगली झील की बात करें तो रिवालसर झील। रिवालसर झील जो है बहुत ही धार्मिक झील है। यहाँ आपको बहुत धर्म के टेंपल और सिख के टेंपल और हिंदू के टेंपल देखने को मिल सकते हैं। और जो इस डिस्ट्रिक्ट की मुख्य झीलें हैं, कुंत बियोग, सुखसर, कालसर और पंडोह लेक। यहाँ देवभूमि हिमाचल हिमाचल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर गांव में आपको हर एक मंदिर देखने को मिल जाएगा, जो कि अपने देवी देवताओं के लिए प्रसिद्ध है। अगर इस डिस्ट्रिक्ट के मंदिरों की बात करें तो भूतनाथ मंदिर, पंचतत्र मंदिर, त्रिलोकनाथ मंदिर, श्यामा काली टारना देवी मंदिर, अकवराय मंदिर, कमाक्षा देवी मंदिर, पराशर मंदिर और शिकारी देवी मंदिर। शिकारी देवी मंदिर इस जिले का बहुत ही हाईएस्ट मंदिर है। इस डिस्ट्रिक्ट में आपको हॉट स्प्रिंग मिलेगा, उस जगह का नाम है तातापानी। यहाँ बहुत से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट को घूमने के लिए आपको एक पूरा महीना तक लग जाएगा। क्या आप कभी मंडी आए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सी जगह अच्छी लगी, और ये भी कमेंट कीजिए कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हो।